वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद किशोर नंदी ने बुधवार को कुशीनगर में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गोरखपुर के NIC हॉल में एयरपोर्ट के डायरेक्टर AK द्विवेदी सहित अन्य जनपदों से संबंधित अधिकारी जुड़े रहे। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री नंदकिशोर नंदी ने कुशीनगर हवाई अड्डे के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से कुशीनगर का एक अलग पहचान है। यहाँ बनने वाला एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का होगा, इसलिए कार्यों की गुणवत्ता के साथ अतिशीघ्र पूरा किया जाए, जिससे जल्द से जल्द कुशीनगर के हवाई जहाज की उड़ान शुरू की जा सके। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा 8 जुलाई को कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। शीघ्र ही इस हवाई अड्डे से वायु सेवा का संचालन प्रारंभ किया जाना है। इसको लेकर 6 सितंबर को नागर विमानन मंत्री, भारत सरकार सचिव नागर विमानन मंत्रालय तथा अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन मंत्रालय द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदकिशोर नंदी ने समीक्षा की तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। यहाँ ये बताना चाहूंगा सर, जो बची है बाउंड्री वॉल, वो एक रोड डाइवर्ट
प्रदेश सरकार ने पीओ को डिपार्टमेंट साहब को उनको एसी साहब को रिक्वेस्ट की गई तो उन्होंने प्रमुख सचिव साहब को उन्होंने वो 28 तारीख को स्वीकृत कर दिया। लेकिन उसी दिन जब वीसी थी जब उस वीसी में एक मामला संज्ञान में आया कि जहां ये रोड डाइवर्ट होनी है उसी जगह ये बाउंड्री टूटी हुई है, एक्चुअली उस रोड को डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं, वो जमीन फालतू है। इंडिया को ट्रांसफर करती है तो सर ये जमीन का दुरुपयोग होगा और साथ ही धनराशि का भी जो सदुपयोग जो हो सकता है या उस जमीन का वो नहीं हो पाया, क्योंकि सर ये टूरिस्ट स्पॉट है और टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है स्पेशली बुद्धिस्ट कंट्रीज के उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ हमें बहुत सारे एयरपोर्ट टूरिस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी देनी होगी, फैसिलिटी देनी होगी। तो फिर ये विचार बनाया सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने रिक्वेस्ट की है कि अभी भले ही हमने आपको पूरी जमीन ट्रांसफर कर दी है एयरपोर्ट में, लेकिन जो आपका मास्टर प्लान है उसके हिसाब से आप हमें जो एक्सेस जमीन है हमारी वो हमें वापस कर दीजिए। वहाँ इसलिए खरीदी थी क्योंकि टूरिस्ट के लिए मार्केट, टूरिस्ट के लिए टॉयलेट्स रास्ते में, टूरिस्ट के लिए कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें सर आस पास में आए और पर्यटन विभाग करें। इस निमित्त ये ज़मीनें एक बार की गई थी जो पता लगा, तो अभी ये सर इसको प्लान आउट कर लिया गया और उसका परिणाम ये निकला, लेकिन इन्होंने 34 एकड़ जमीन और बताइए कि इन जगह हमें चाहिए भी। ये चिट्ठी 34 एकड़ वाली अभी मिली है सर, ये चिट्ठी मैंने शेयर कर दी है ग्रुप पे। सर जो अलाइनमेंट है इनका, जो हमारा सेंटर लाइन होती है रनवे से एक क्लियरेंस चाहिए पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, कुछ जगह वो क्लियरेंस नहीं मिल रहा है और क्लियरेंस न मिलने की वजह से उन्होंने 34 एकड़ की डिमांड की। यही कारण से किया जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज होनी थी, जमीन हर जगह जमीन जो खरीदी जाती है पहले मास्टर प्लान होता है तब जमीन खरीदी जाती है। तब भी आप लोगों ने कोई इस तरह की जिस तरह की चीजों का जिक्र किया जिम्मेदारी किसकी है।